हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है किस तरह से ब्लिंक कोड आते हैं पैनासोनिक में। काफी लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था, कमेंट करते हैं सर्किट किस तरह से ये बनाई गई है। पूरी स्टैंड बाई सर्किट है एक, जो 5.6 वोल्ट डिलीवर करती है पावर सप्लाई से, और ये पावर सप्लाई से आने वाले 5.6 वोल्ट जो है ये IC5000 में जाने के बाद 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए जरूरी वोल्टेज है। अब इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पावर ऑन करने के बाद कुछ वोल्टेजेस बनते हैं और उसमें किस तरह से ब्लिंक कोड्स होते हैं, चलो आइए जान लेते हैं। पहले वन टाइम का जिक्र कर लेते हैं, वन टाइम ब्लिंक क्यों आता है और कहाँ से उसका सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन टाइम ब्लिंक के लिए यहाँ एक जो प्रोसेसर है IC8000, उसके अंदर आपको एक SOS बैकलाइट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि LCD ड्राइवर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें होता यह है कि बैकलाइट से आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बैकलाइट अगर जो मान लो कोई ओपन हो गई है, तो ये सारी चीजें लिंक्ड अप है LCD पैनल के कनेक्टर LVDS कनेक्टर नंबर 42 के थ्रू, और ये बैकलाइट प्रोटेक्शन वोल्टेज जो है, जो भी सेंसिंग वोल्टेज है, ये माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं और माइक्रो प्रोसेसर इसे वन टाइम ब्लिंक में शट डाउन कर देता है। और ये शट डाउन होने के बाद सिर्फ वन ब्लिंक। अब बैकलाइट प्रोटेक्शन के बारे में हमने जानकारी ले ली, इसके बाद दूसरा जो प्रोटेक्शन होता है वो है सेवन टाइम्स। सेवन टाइम्स में होता यह है कि जो आपने देखा पहले स्टैंड बाई 3.3 रिलीज हो जाता है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं। अगर जो इससे रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो आपकी लाइट ही नहीं आएगी, इंडिकेटर लाइट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी। 3.3 होने के बाद जब आप पावर ऑन करते हैं और उसके बाद सब पावर रिलीज होता है 3.3 वोल्ट, जो कि IC5400 के थ्रू आउट होता है इस सर्किट के हिसाब से। सो 15 वोल्ट इनपुट मिलेगा उसको, उसके बाद 3.3 वोल्ट आउट करता है ये सर्किट, जो कि वेरियस सेक्शंस के लिए VCC वोल्टेज है। अगर जो ये वोल्टेज कट हो जाता है, 3.3 वोल्ट बंद हो जाता है, तो यहाँ पर ये सीधा आपका शट डाउन प्रोटेक्शन में चले जाता है सेट, और 7 टाइम LED ब्लिंक करने लगती है। सो आपको इन दिस केस जब 7 टाइम प्रॉब्लम्स होती है, तो उस समय पे आपको 3.3 वोल्ट सब वोल्टेज चेक करना होगा। तो 3.3 वोल्ट जब मिसिंग होगा सब 3.3, ये दोनों अलग अलग चीज है, पहले मैं आपको बता दूं। स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट जो है IC5000 बनाती है, जो कि स्टैंड बाई जो 5.8 वोल्ट इनपुट 5000 में होता है, उसके बाद ये स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट ये IC प्रोड्यूस करती है, जो कि एनालॉग ASIC IC है, जिसका लोकेशन नंबर है IC5000, जिससे आउट होकर स्टैंड बाई 3.3 प्रोसेसर को मिलते हैं। और ये दूसरा सब 3.3 जो है ये पावर ऑन के बाद बनने वाला वोल्टेज है, जो कि ये प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपका 7 टाइम प्रोटेक्शन में टीवी सेट चले जाता है। अब इसके बाद दूसरे प्रोटेक्शन कोर्स चेक कर लेते हैं, जो 9 टाइम प्रोटेक्शन है, जो कि साउंड सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अभी ये साउंड सिस्टम जो है ये IC5000 के साथ कनेक्टेड है, और जो भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है इसे, उस हिसाब से इसमें आउटपुट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IC4900 एक साउंड एम्पलीफायर IC है, जिसकी आउटपुट यहाँ से होते हुए यहाँ पर साउंड SOS प्रोड्यूस करता है, जो कि 9 टाइम ब्लिंक में आपका TV को ले जाएगा। अब ये 9 टाइम ब्लिंक जब भी हो तो आपको साउंड रिलेटेड सर्किट में चेक करना है। ये तो मैंने आपको ये मॉडल के बारे में बता दिया, लेकिन ये आप पैनासोनिक के ज्यादातर मॉडल्स में चेक कर सकते हैं। 9 टाइम प्रोटेक्शन में साउंड सिस्टम को जो जाने वाले वोल्टेज है, जैसे 15 वोल्ट मिसिंग हो जाए या इस IC के साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो ये डायरेक्टली 9 टाइम प्रोटेक्शन में चले जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर प्रोसेसर से LED जो ब्लिंक होगी वो होगी 9 बार, और इसके बाद हम जान लेते हैं 10 बार के लिए 10 टाइम ब्लिंक क्या होता है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पैनल को जाने वाले 12 वोल्ट हैं,
अभी वो 12 वोल्ट अगर जो नहीं मिलते हैं तो ये 10 बार ब्लिंक करना चालू हो जाएगा, आपके 12 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, पैनल को 12 वोल्ट जो मिल रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो तो 10 टाइम में चले जाए। तो अगली बार जब भी आपके पास 10 टाइम प्रोटेक्शन में अगर जो टीवी आ जाता है तो समझ लेना है आपको पैनल साइड के सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं, और ये डेटा एंड क्लॉक लाइन से रिलेटेड है, और इसमें आने वाले 12 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस ना हो, या तो पैनल के अंदर आने वाली कोई भी गड़बड़ी हो तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स ये शो करेगा जो प्रोसेसर आउटपुट देगा 10 टाइम ब्लिंक का। अब हर एक जो पैनल ब्लिंकिंग है उसको विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक टाइम ब्लिंक जो है बैकलाइट एसओएस है, मतलब एलसीडी पैनल के अंदर बैकलाइट जो है उसकी प्रॉब्लम्स आए तो आपको वन टाइम होगा। सेवन टाइम का मतलब जो स्टैंड बाई के बाद आप जब पावर ऑन करते हैं तो एक और 3.3 वोल्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि सब 3.3 वोल्ट है, जो प्रोड्यूस ना हो तो ये सेवन टाइम ब्लिंक में चले जाएगा, जो कि आईसी आईसी जो यूज हो रही है 3.3 वोल्ट बनाने के लिए वो है IC5400, और इसके आउटपुट में ये वोल्टेज ना बने तो आपको सेवन टाइम ब्लिंक में टीवी चला जाएगा। नाइन टाइम ब्लिंक कनेक्टेड है इस आईसी के साथ, IC5000, और इसमें जब भी साउंड एम्पलीफायर सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम जो है ये नाइन टाइम ब्लिंक करेगा। एलईडी ब्लिंक नाइन टाइम मतलब आपको साउंड प्रोटेक्शन चेक करना है। इसके बाद 10 टाइम प्रोटेक्शन, अब हम देख लेते हैं एक एक जो प्रोटेक्शंस हैं इसके बारे में, और जो कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड 3.3 वोल्ट जो है यहाँ पर, जैसे वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड है और 3.3 अगर जो नहीं प्रोड्यूस होता है तो आप देखेंगे कि ये IC8000 जो प्रोसेसर है इसको मिलने वाले जो वोल्टेज डिवाइडर आउटपुट में कमी आ जाएगी, और जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में चले जाएगा जो कि 7 बार होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर उसी तरह से यूज किया है जैसे कि सोनी ने यूज किया था, और इसमें एक साइड में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद दूसरी साइड जो ग्राउंड हो रहा है वो हल्का सा लो वैल्यू का होगा, जैसे कि मान लीजिए ये 47K है तो ये 10K होगा, और इसके जो सेंटर जो टैप है जहाँ से ये दोनों रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर आउटपुट प्रोसेसर को दिया जाता है। अगर जो ये 3.3 बंद हो जाएगा तो ये 7 टाइम ब्लिंक पे चले जाएगा। 10 टाइम ब्लिंक के लिए यहाँ पर 46 और 47 कनेक्टर जो है एलवीडीएस का, उसमें पैनल टिकॉन डेटा एंड क्लॉक कम्युनिकेशन एरर में जाएगा। अगर जो मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं प्रोड्यूस होता है तो ये 10 टाइम ब्लिंक पे चले जाएगा। यहाँ पर एलसीडी पैनल के लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर वन ब्लिंक दे रखा है। 42 जो नंबर की जो पिन है एलवीडीएस की वो एलसीडी की बैकलाइट के साथ कनेक्टेड है, और ये जब प्रॉब्लम आएगी जो एलसीडी के पैनल के अंदर जो बैकलाइट्स की कोई भी प्रॉब्लम तो ये वन टाइम ब्लिंक। अब हम अलग अलग से एक एक फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वन टाइम ब्लिंक के बारे में, किस तरह से इसे फॉल्ट को ठीक करोगे, शुरुआत कैसे करोगे। जब पहले आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको पहले चेक करना है 3 वोल्ट एट पिन नंबर 4 ऑफ कनेक्टर A02 आफ्टर पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद आपको 3 वोल्ट चेक करना है कनेक्टर A02 के पिन नंबर 4 पर। अगर जो ये वोल्टेज ना आ रहे हो तो आपको पहले 16 वोल्ट चेक करना है पिन नंबर 4 और 5 और 6 जो कनेक्टर P2 के पावर ऑन के बाद, और ना आए तो आपको पावर बोर्ड रिप्लेस करना है। आप पावर बोर्ड से रिलेटेड जो 16 वोल्ट की लाइन है वो भी ट्रेस करके पावर बोर्ड ठीक कर सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि 3 वोल्ट प्रेजेंट है A02 के कनेक्टर, जो A02 कनेक्टर है उसके पिन नंबर 4 पर। अब पावर ऑन करने पर अगर जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो गए 3 वोल्ट तो फिर आपको चेक करना है इज देयर अप्रोक्स 3 वोल्ट एट पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 पे आपको 3 वोल्ट चेक करना है, ये आपके 3 वोल्ट परफेक्ट होने चाहिए। ये ना हो तो फिर आपको ए बोर्ड रिप्लेस करना है। दैट मीन्स जो पावर ऑन से जो कंट्रोल वोल्टेज है वो जब आ जाता है तो ये माइक्रो प्रोसेसर ओके होगा।
अगर जो नहीं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो भी सर्किट है चेक करनी है, जैसे कि कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो प्रोसेसर से पावर ऑन कमांड को कम्युनिकेट करते हैं पावर बोर्ड तक, तो आपको ये भी चेक करना होगा। और इसके बाद अगर जो मान लीजिए 3 वोल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं पावर ऑन पिन पर, जो कि पिन नंबर 10 है कनेक्टर A15 की, तो फिर आपको 24 वोल्ट चेक करना है पिन नंबर 10 और पिन नंबर 10 और 14 ऑफ कनेक्टर P4 पे। और पावर ऑन अगर जो आ जाता है इधर 24 वोल्ट आ जाते हैं तो आपको आपकी जो पैनल है वो खराब है। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट बैकलाइट के लिए है। बैकलाइट में किस तरह से काम करता है, वो 24 वोल्ट इनपुट होने के बाद ही बैकलाइट के मेन जो 24 वोल्ट है पॉजिटिव 24 वोल्ट वो आ जाते हैं, उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज आईसी खुद प्रोड्यूस करती है सभी अलग अलग जो बैकलाइट कनेक्टर्स की नेगेटिव को प्रोवाइड करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज। सो यहाँ पर आपको इस तरह से वन टाइम ब्लिंक चेक करना है। अब हम 7 टाइम ब्लिंक चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। पहले तो आपको स्टार्ट करना है टीवी को आफ्टर पावर ऑन। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप कनेक्टर निकाल दोगे, कनेक्टर का जो जम्पर वो निकाल दोगे, आप कनेक्टर को ओपन कर दोगे, तो इस समय पे आपको पिन नंबर 8 और 10 ये दोनों को जम्पर से बंद करना है, शॉर्ट करना है, ताकि पावर ऑन जो स्विच है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, यहाँ से आप उसे कनेक्ट कर दे। तो आपको पिन नंबर 8 और 10 को शॉर्ट करना है। इधर कनेक्टर जो है वो ये कनेक्टर 8 और 10 के पिन नंबर 8 और 10 को शॉर्ट करके बाद में फिर आपको पावर ऑन करना है। 16 वोल्ट अगर जो 4, 5 और 6 नंबर की पिन पर कनेक्टर P2 के आ जाता है, शटडाउन से पहले चेक करना है आपको ये। आप फिर 7 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा, उससे पहले आपको चेक करना है यहाँ पर 15 वोल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं 4, 5 और 6 नंबर की पिन कनेक्टर P2 की, तो फिर अगर जो ये आ जाते हैं तो आपको चेक करना है सब 3.3 वोल्ट एट पिन नंबर 7 ऑफ कनेक्टर। मतलब पावर ऑन के बाद एक और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जो कि 3.3 वोल्ट, जो कि रैम सप्लाई बनाने के लिए भी इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.3 वोल्ट जो है अगर जो ना प्रोड्यूस हो तो आपका टीवी जो है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, सब 3.3 वोल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन होगा जिसमें 7 टाइम ब्लिंक में टीवी चला जाएगा। तो आपके 3.3 वोल्ट सब वाले जो है पावर ऑन के बाद प्रोड्यूस होने वाले 3.3, मैं आपको फिर से बता दूं ये सब 3.3 और स्टैंड बाई 3.3 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंड बाई 3.3 किसी भी हालत में आने वाले वोल्टेज, चाहे पावर ऑन करो या ना करो, ये वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे 3.3 स्टैंड बाई। और ये जो सब 3.3 है ये पावर ऑन के बाद ही प्रोड्यूस होते हैं, ये वोल्टेज आपको अगर जो नहीं आए तो आपका टीवी 7 टाइम प्रोटेक्शन में चला जाएगा। आपको चेक करने के लिए खास ध्यान ये रखना है कि जब आप ये कनेक्टर ओपन कर देते हैं, ये निकाल देते हैं कनेक्टर को, और तो आपको पिन नंबर 8 और 10 को शॉर्ट करना है A10 कनेक्टर। अब 9 टाइम जो ब्लिंक है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीकर का जो वायर है वो डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर जो ये चालू रहता है तो आपको स्पीकर बदलना है, अगर जो ये चालू नहीं रहता है फिर भी प्रोटेक्शन में चले जाता 9 टाइम, तो आपके ए बोर्ड में प्रॉब्लम है। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है वो खराब हो सकती है इस केस में, तो आपको ऑडियो एम्पलीफायर आईसी भी रिप्लेस करनी पड़ सकती है, या तो आपको ए बोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। 9 टाइम ब्लिंक में आपने समझ लिया, पहले तो आपको टीवी ऑन करके स्पीकर का वायर निकाल के चेक करना है। अगर जो ये चालू रहता है तो फिर आपका स्पीकर आपको बदलना है, स्पीकर रिप्लेस करना है। अगर जो ये चालू नहीं रहता है फिर से 9 टाइम में चले जाता है, तो आपको ए बोर्ड में साउंड प्रोसेसर आईसी है, साउंड जो प्रोसेसिंग का काम कर रही है एम्पलीफायर, साउंड एम्पलीफायर, उसे रिप्लेस करना होगा और उससे रिलेटेड सप्लाईज चेक करनी होगी। ये आपको उसी समय चेक करना है 9 टाइम ब्लिंक में जाने से पहले। अब हम 10, 13 और 14 ब्लिंक की बात कर लेते हैं। पहले 10 ब्लिंक की बात करते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द टीकॉन बोर्ड एलसीडी पैनल एंड सिस्टम कंट्रोल। अगर जो ये टीकॉन बोर्ड एलसीडी पैनल और सिस्टम कंट्रोल के बीच में कम्युनिकेशन एरर आएगा, तो
तो ये 10 टाइम प्रोटेक्शन में जाएगा। तो पहले आपको क्या चेक करना है, 12 वोल्ट आपको टिक ऑन बोर्ड पे चेक करना है। अगर जो टिक ऑन बोर्ड पे 12 वोल्ट है तो फिर आपकी एलसीडी पैनल खराब है। अगर जो नहीं आ रहे हैं तो पहले आपको चेक करना है आपका ये कनेक्टर एलवीडीएस का निकाल कर 12 वोल्ट आप पहले चेक कीजिए। 10 टाइम में जाने से पहले आपको 12 वोल्ट चेक कर लेना है। अगर जो ए बोर्ड में 12 वोल्ट आ जाता है तो फिर आपकी पैनल में शॉर्टिंग है, आपको पैनल की शॉर्टिंग चेक करनी है। तो कनेक्टर निकाल के आपको चेक करना है एलवीडीएस कनेक्टर। तो ये 12 वोल्ट की जो लाइन है वो आपको ट्रेस आउट, तो 12 वोल्ट कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं आइए। सो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 3 जो पॉइंट है का जो पावर सिक्वेंस है ये बता रहा है। पहले आप टीवी सब ऑन करते हैं, पहले पावर ऑन दबाते हैं, उसके बाद बैकलाइट और ये 3 नंबर का पॉइंट पैनल ऑन जो है, पैनल सप्लाई को ऑन करने की सप्लाई कंट्रोल वोल्टेज, ये भी IC5300 के ऊपर आ जाता है और आपके पैनल के 12 वोल्ट आप 1 और 4 नंबर पे देख पाते हैं। करंट है या नहीं देखना है तो आपको एक ये जो इसकी पैनल की जो पिन है, पिन नंबर 1 to 4 A16 कनेक्टर की, वो चेक करनी होगी पहले। और उसके बाद फिर आप 12 वोल्ट अगर जो इसमें प्रेजेंट है तो आपको पैनल रिप्लेस करनी होगी। पैनल अगर जो 12 वोल्ट नहीं है तो फिर आपको ये आईसी रिप्लेस करनी होगी जो कि IC5300 है, DC to DC कन्वर्टर है जिसको इनपुट 15 वोल्ट मिलते हैं और आउटपुट 12 वोल्ट दे रहा है ये। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के जो लिंक होगी उसके ही नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर में, आपको उसे दबाना है और उसके बाद नोटिफिकेशन का भी आइकॉन दबाना ना भूले ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उसके लेटेस्ट अपडेट्स आप तक रेगुलर इंटरवल्स पे पहुँचते रहेंगे। जब भी मेरा न्यू वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।